प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 3.1 एट्थ क्लास मैथ। इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी डायगोनल ए सी एंड बाईस बी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए सी डायगोनल ते बी डी ए ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। ए सी 12 सेंटीमीटर दी है जे वैल्यू और बी डी 16 सेंटीमीटर पूरी। डायगोनल की लंबाई दी हुई है। ओ ए एंड ओ डी निकालना, ओ ए निकालना और ओ डी निकालना। वी नो दैट डायगनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब होता है डायगनल जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। कहने का मतलब ओ ए ओ सी के बराबर, ये दोनों बराबर, ओ बी ओ डी के बराबर, ऐसे ये दोनों बराबर। देयर फोर ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। Therefore, also हम ऐसे लिख सकते हैं ओ ए प्लस ओ सी इक्वल टू ए सी, पूरी ए सी। तो ओ सी को क्या लिख सकते हैं, ओ ए लिख दो। ओ ए प्लस ओ ए कितना है, 12 सेंटीमीटर। ए सी 12 सेंटीमीटर दिया बिकॉज ओ ए इक्वल टू ओ सी, या ट्वाइस ओ ए इक्वल टू 12। ओ ए कितना बन गया, 2 नीचे चल जाएगा, काट दो 6 सेंटीमीटर। ओ ए की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। ऐसे ही ओ बी ओ डी प्लस ओ बी, ये भी दोनों बराबर ही है, बी डी के बराबर बन गया। पूरी फुल लेंथ बी डी है, बी डी की वैल्यू हमें दी हुई है 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर। देख बच्चों रफ फिगर है, क्योंकि एक्चुअली तो जब आप अच्छी तरह देखेंगे तो जो है ए सी है ना, जहां 12 सेंटीमीटर है, तो बी डी हैगी 16। एक्चुअली तो ये लेंथ ज्यादा बड़ी है, तो फिगर के हिसाब से ठीक नहीं ना बनता, इसलिए ये बात याद रखनी कि ये हमने रफ फिगर बनाई हुई है। तो ओ डी प्लस ओ बी इक्वल टू बी डी, तो बी डी कितनी है, 16 सेंटीमीटर। देर फोर जो ओ बी है ओ डी के बराबर है, जो दोनों बराबर है जहां हमने लिखा भी हुआ है। देर फोर बिकॉज ओ डी इक्वल टू ओ बी, जहां रीजन भी लिख दिया। ओ डी प्लस ओ डी कितना बन गया, ट्वाइस ओ डी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। देर फोर ओ डी इज इक्वल टू 16/2। अब काट दो 2 8 16, तो 8 सेंटीमीटर आ गया। तो बच्चों फिर ऐसी फिगर बननी थी जी, अगर थोड़ी फिगर ठीक भी होनी चाहिए ना, तो ऐसे तो फर्क पड़ जाएगा। तो मैं एसी 12 सेंटीमीटर है, बीडी 16 सेंटीमीटर, इसलिए इसको काट देते हैं। ऐसी फिगर बना लो जिसमें बीडी बड़ी हो, बीडी डायगनल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बड़ा दिया हुआ है ना हमें 16 सेंटीमीटर। दूसरा डायगोनल एसी छोटा दिया हुआ है, तो इसलिए उसे छोटा बना दिया। तो ऐसी फिगर बना लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 ना, एक्सरसाइज 3.1। इन अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस डायगनल्स पी आर एंड क्यू एस इंटरसेक्ट एट ओ। इफ ओ पी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड ओ एस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, फाइंड पी आर एंड क्यू एस। जहां मैंने थोड़ा ध्यान रखा है फिगर बनाने से पहले ही, थोड़ी फिगर ठीक रखे रहे। वी नो दैट द डायगनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हमें पता जो डायगनल है बाइसेक्ट करते हैं। कहने का मतलब ओ पी ओ आर के बराबर है, ओ एस ओ क्यू के बराबर है। यहाँ लिख लेते हैं, देयर फोर ओ आर इज इक्वल टू ओ पी के बराबर और ओ क्यू किसके बराबर है, ओ एस के बराबर। ओ क्यू जे इधर वाला ओ एस के बराबर है। तो ओ आर ओ पी के बराबर कितना, ओ पी 6 सेंटीमीटर, ओ क्यू ओ एस के बराबर है 7 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है। अब हमने पी आर फुल डायगोनल की लंबाई, पूरी डायगोनल की लंबाई है, वो डबल होगी इसके, क्योंकि बाइसेक्ट तो करते हैं। तो ना पी आर 12 सेंटीमीटर आ जाना है, जो क्यू एस है वो 14 आ जाना। पर लिखना तो पड़े, करना तो पड़ेगा ना, कैसे करेंगे। पी आर इज इक्वल टू ओ पी प्लस ओ आर। तो ओ पी ओ आर कितना दिया हुआ, 6 6 सेंटीमीटर, 6+6 बिकॉज ओ आर इज इक्वल टू ओ पी, 12 सेंटीमीटर आ गया। इधर हो पी आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। क्यू एस इज इक्वल टू ओ क्यू प्लस ओ एस, दोनों 7 7 है, 7+7 बिकॉज ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एस, जहां भी लिखा हुआ है। देयर फोर दोनों को ऐड करेंगे तो क्यू एस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। आगे आ गया क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। जे भी सेम ही है, रीजन यही प्रॉपर्टी लगनी है,
वी नो दैट डायगोनल जो पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, कहने का मतलब ए ओ बराबर ओ सी, ओ डी बराबर ओ बी, ए ओ सी के बराबर 3x बराबर 18 के हो गया, जे 3x है ए ओ ओ सी 18 है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3x इक्वल टू 18 बाय 3, 3 एकम 3 3 6 18, x की वैल्यू 6 आ गई। ऐसे ही ओ डी इक्वल टू ओ बी के बराबर है, तो ओ डी कितना 2y इक्वल टू 16, 2y इक्वल टू 16 डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, y इक्वल टू 16 बाय 2 काट लो 2 8 16, y इक्वल टू 8 आ गया। ऐसे ही सेकंड पार्ट, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये फिगर हमें दी हुई है बुक में ना, तो OP OR के बराबर हो जाना है और OS OQ के बराबर हो जाना, इक्वल होना, OP OR की इक्वल है, OP 5x माइनस 1 इक्वल टू 24, तो माइनस वन दूसरी तरफ चला गया प्लस बन गया, 5x इज इक्वल टू 25, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5 काट लो, तो एक्स की वैल्यू 5 आ गई, 25 बाय 5 को काटा 5 आ गया। ऐसे ही आल्सो ओ एस इज इक्वल टू ओ क्यू, 4y प्लस 3 किसके बराबर 19 के, 4y प्लस 3 इक्वल टू 19, 3 दूसरी तरफ माइनस बन जानी वैल्यू, 4y इक्वल टू 19 माइनस 3 सब्ट्रैक्ट कर लो, 4y इज इक्वल टू 16 डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4, y को 16 बाय 4 आ गया इक्वल, 4 एकम में 4 चौके 16, y की वैल्यू 4 आ गई।